Okay guys, आज का टॉपिक है सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन एंड इट्स प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल्स। इसको डिस्कस करने से पहले हम क्या करने जा रहे हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। वेल गाइस, सो दिस इज द एग्जांपल। ए पॉपुलेशन कंसिस्ट एन इज इक्वल टू 5, नंबर्स आर 2, 4, 6, 8 एंड 10। क्वेश्चन इज ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज एन इज इक्वल टू 2 विद आउटर प्लेसमेंट एंड कंस्ट्रक्ट द सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि वी हैव टू डिटरमिन द नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स। हमारे पास पॉसिबल सैंपल्स कितने होंगे, क्योंकि सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है तो इसलिए हमारे पास पॉसिबल सैंपल्स इज इक्वल टू एन चूज एन। ठीक है, because n is equal to 5 and small n is equal to 2 and sampling is without replacement, so we have to use this formula. अगर हम इसको expand करते हैं तो this is equal to 5 factorial divided by 2 factorial into 5 minus 2 whole factorial, or this is equal to 5 factorial divided by 2 factorial into 3 factorial, or this is equal to 5 into 4 into 3 pictorial and 2 pictorial is equal to 2 into 1 or 3 pictorial is as it is 3 pictorial. Cancel this out and this is equal to 2, so you get 10 possible samples. ठीक है, अब हमने samples को सामने ले आना है। अगर इस samples को सामने ले आना है तो हमने क्या करना है कि this is equal to, since numbers are 2, 4, 6, 8 and 10, तो possible samples हमारे पास इस तरह होंगे कि ये हमारे पास है samples टू के साथ 4, 6, 8 और 10 लें। this is equal to 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। फिर आपने लेना है 4, 6 के साथ ये सारे लें। 4, 6, 4, 4 के साथ 6, फिर 8 और 4, 10। फिर 6 के साथ 8 और 10 लें। 6, 8, 6, 10। और अल्टीमेटली 8 के साथ आप ले 10, 8, 10। अगर आप इसको काउंट कर लें तो इट मस्ट इक्वल टू 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 पॉसिबल सैंपल्स हैं। इसके बाद क्या करना है कि आप लोगों ने इसके मीन कैलकुलेट करना है, अर्थमेटिक मीन। तो दोनों को जमा करना, 2 पे डिवाइड करना। 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। इस तरह 4, 5, 6, 5, 6, 7, 7 और 8 और 9। तो ये हमारे पास जो है पॉसिबल सैंपल मीन आ गए हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इससे हमने एक और टेबल बनाना है। ओके, तो उस टेबल के लिए हमने क्या करना है कि उस टेबल में भी आप एक बार लिखें। ठीक है, फिर हमने टेली बार शीट बनाना है, यहाँ पे टेली लिखना है, टेली। हर एक बार को लेके, लेकिन ओनली वंस। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कम मीन इसमें है 3, सबसे मैक्सिमम इसमें है 9। तो 3 तक 9 सारे लेके विदाउट रिपीटेशन। तो दिस इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तो हमने लिख लिए हैं। अब हम देखें 3, 4, 5, तो 3, 4, 5, फिर 6, 5, 6, तो 6, 5, 6, फिर है 7, 7, 8, 9, 7, 7, 8, 9। तो ये हमारे पास टेली बार शीट है और ये इस तरह इसको गिनने का तरीका है। फिर हमने क्या करना है कि फ्रिक्वेंसी बना ले टेली से, टेली बार शीट से हमने फ्रिक्वेंसी एक्सट्रैक्ट करना है। तो दिस इज 1, 1, 2, 2, 2, 1 और 1। द सम ऑफ द फ्रिक्वेंसी मस्ट इक्वल टू the total number of possible samples, this must be equal to 10 and this is already equal to 10, right? Now you have to find out the probability. अब आप लोगों ने probability find out करना है। अब देख लें,
कितने टाइम आया है? 1 टाइम आउट ऑफ 10, तो दिस इज इक्वल टू 1/10, राइट। फिर 4 कितने दफा आया है? 1। कितने आउट ऑफ 10, तो दिस इज इक्वल टू 1/10। तीसरा, सब फ्रीक्वेंसी को 10 पे डिवाइड कर लें तो यू गेट द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर ईच एंड एवरी मीन। सैंपल मीन 2 डिवाइड बाय 10 और 1 डिवाइड बाय 10 एंड 1 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास सब प्रोबेबिलिटी करके हम एड अप कर लेते हैं, वी गेट 10 बाय 10 आर दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो दिस इज एक्चुअली द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। ये दो कॉलम्स असल में हमारे पास क्या है? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन को हम अब इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को देखकर हम डिफाइन कर सकते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन को। इस तरह देख ले इसको। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। व्हाट इज दिस? इफ वी सेलेक्ट ए सम फ्रॉम पॉपुलेशन बाय फ्रॉम ए पॉपुलेशन बाय विद और विदाउट रिप्लेसमेंट, दीज आर द पॉसिबल सैंपल्स, देन फाइंड देयर मीन्स, सो दीज आर द पॉसिबल मीन्स फ्रॉम ईच एंड एवरी सैंपल, देन दीज मीन विल हैव डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, दीज आर ऑल द पॉसिबल मीन्स एंड दीज आर द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। सो द टेबल विच रिपोर्ट ऑल पॉसिबल सैंपल मीन्स अलॉन्ग विद देयर प्रोबेबिलिटीज, दिस टेबल इज नोन एज सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। सो दिस इज द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं। तो प्रॉपर्टीज आप दी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप सैंपल मीन। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो ये है कि मीन के हवाले से है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट द अरिथमेटिक मीन। द मीन ये है, द मीन ऑफ द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इन सैंपल मीन इज यूनिटेड बाय म्यू एक्स बार एंड इज गिवन बाय पॉपुलेशन मीन, बोथ इन केस ऑफ सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर इन मीनों का आप फिर से मीन फाइंड आउट कर ले तो ये पॉपुलेशन मीन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं? फॉर वेरिफिकेशन लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करना होगा और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इसका बराबर है समेशन एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार, ठीक है, और इसका राइट हैंड साइड बराबर है समेशन एक्स आई डिवाइड बाय एन। सो लेट अस वेरीफाई इट। तो सबसे पहले हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें चाहिए समेशन एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार। तो इस टेबल के अंदर हमने एक और कॉलम ऐड करना है जो कि हमारे पास बराबर है एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, कॉलम ऐड कर ले इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई दिस कॉलम एंड दिस कॉलम, दिस टू कॉलम्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 1 3, सो 3 बाय 10। 4 इंटू 1 4 4 बाय 10। 5 इंटू 2 10, 10 डिवाइड बाय 10। 6 इंटू 2 12, 12 डिवाइड बाय 10। 7 इंटू 2 14, 14 डिवाइड बाय 10। 8 इंटू 1 8, 8 डिवाइड बाय 10। 9 इंटू 1 9, 9 डिवाइड बाय 10। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास x इंटू एफ ऑफ एक्स। अगर हम इसको एड अप करेंगे तो यू विल गेट द लेफ्ट हैंड साइड। एड करने से क्या आएगा? इससे आएगा 50 डिवाइड बाय 10 और दिस इज इक्वल टू 5। ये 5 हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है समेशन, दिस इज समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, दिस इज द राइट लेफ्ट हैंड साइड। तो
ये साइड हमारे पास बराबर आ रहा है किस चीज का, इज इक्वल टू 5 आ रहा है। अब चूंकि हमें पता है कि x इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड 10, तो हमने इसको भी कैलकुलेट करना है। सो इसे 60 आ रहा है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो थोड़ी सी गलती होगी, इज इक्वल टू 60, इज इक्वल टू 6, राइट। ये 6 है तो ये भी 6 है। अब देखिए हमें इसको कैलकुलेट करना है, समेशन एक्स आई। तो एक्स आई अगर आप सम कर लें तो दिस इज इक्वल टू टू प्लस 4, 6, ये हमारे पास है 12, और ये हमारे पास है 20, 30। दिस इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 5, ये भी आल्सो इक्वल टू 60। बिल्कुल ये भी 100% ये और ये बिल्कुल सेम आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आ जाएं। सेकंड प्रॉपर्टी इज अबाउट द वेरियंस। द वेरियंस ऑफ सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर एक्स बार एंड इट इज गिवन एज। तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय, बट दिस इज फॉर समथिंग विद रिप्लेसमेंट, दिस इज फॉर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। एंड सिग्मा स्क्वेयर एक्स बार दिस इज इक्वल टू एन माइनस एन डिवाइड बाय एन माइनस वन इंटू सिग्मा स्क्वेयर डिवाइड बाय एन, दिस फॉर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू एन माइनस एन डिवाइड बाय एन माइनस वन इंटू सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन, दिस फॉर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें ये चीज एक्स्ट्रा रहा है और इसका नाम है फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, ठीक है। इस फैक्टर को भी हम इग्नोर करते हैं अगर हमारा सैंपल साइज पॉपुलेशन के 5% से कम हो। तो हम किस तरह करेंगे कि हमारा सैंपल पॉपुलेशन का कितना परसेंट कवर कर रहा है, तो इसके बराबर है। सैंपल इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू स्मॉल सैंपल साइज डिवाइड बाय पॉपुलेशन साइज इनटू 100। हमारे केस में अगर आप देख लें तो हमारा पॉपुलेशन था 5, सैंपल था 2, तो हमारा सैंपल पॉपुलेशन का कितना परसेंट कवर कर रहा है, तो सैंपल डिवाइड बाय पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 5, दिस इज इक्वल टू 40%। 40% इट इज ग्रेटर देन 5, ठीक है ना। तो अगर ये वैल्यू आपके पास ये 5 से कम आ जाए तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं, फिर विद रिप्लेसमेंट कवर विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो जाएगा। क्योंकि अगर ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर आप हटा लें तो ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम हो जाएगा। तो इसको कब हटाएंगे, जब हम ये चीज कैलकुलेट कर लें और इसकी वैल्यू 5 से कम आ जाए। लेकिन जब 5 के बराबर या 5 से ज्यादा हो, जिस तरह ये है, ये 5 से ज्यादा है, तो इस केस में हम फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर को स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है कि ये नोट कर लें, ये आपने नोट करना है। नोट क्या है कि वी कैन आल्सो स्किप दिस फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर इफ सैंपल एज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज लेस देन 5%। हाउएवर इफ इट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5%, यू कैन नॉट स्किप, यू कैन नॉट इग्नोर दिस फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर इन द फार्मूला, ठीक है। तो दिस इज द नोट। ओके, अगर हमें इसको वेरीफाई करना है तो हम इसको भी क्वाइट इजिली वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि सिग्मा सिग्मा स्क्वायर एक्स बार दिस इज इक्वल टू एन माइनस एन डिवाइड बाय एन माइनस वन इंटू सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ये साइड हमारे पास बराबर होगा समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार ऑल स्क्वायर, इसके बराबर होगा, ठीक है। ओके, और राइट हैंड साइड में तो ये चीज कांस्टेंट है, एन और एन तो कांस्टेंट है, इट मस्ट इक्वल टू एन कांस्टेंट है, स्मॉल एन भी कांस्टेंट है, एन अगेन कांस्टेंट, वन भी कांस्टेंट,
ठीक है, और नीचे जो n है ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ इस चीज का फॉर्मूला लगाना है, और इसका फॉर्मूला है समेशन एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय पॉपुलेशन साइज। तो हम चाहे तो हम इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, जिस तरह हमने प्रॉपर्टी वन को वेरीफाई किया, हम इसको भी वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि हमारा सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो हम ये फैक्टर लगाएंगे, और लगाएंगे इसलिए क्योंकि सैंपल एज अ परसेंटेज ऑफ यूडीपी इज इक्वल टू 40, तो इट इज ग्रेटर देन 5, सो वी कैन नॉट स्किप दिस फैक्टर, तो लेट अस वेरीफाई इट। ठीक है, तो ये चीज ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, ये तो 6 आ गया है, इसका हम होल स्क्वायर लेंगे, ये हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल में हम एक और कॉलम ऐड करेंगे, एक्स बार स्क्वायर इनटू एफ ऑफ एक्स बार, लेट अस ऐड इट। तो हम क्या करेंगे कि एक्स बार स्क्वायर इनटू एफ ऑफ एक्स बार, ये कॉलम हमने बनाना है। इसका तरीका यह है कि पहले एक्स बार का स्क्वायर लें, फिर प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 3 का अगर हम स्क्वायर लें तो 9, 9 इनटू 1 9, 9 डिवाइड बाय 10। फिर 4 का स्क्वायर लें तो यू गेट 16, 16 इनटू 1 16, 16 डिवाइड बाय 10। 25 अगर आप स्क्वायर लें तो 25, 25 इनटू 50, 50 डिवाइड बाय 10, और इस तरह बाकी में से आएगा क्या चीज, इसमें से आएगा 72 डिवाइड बाय 10, फिर आएगा 98 डिवाइड बाय 10, फिर आएगा 64 डिवाइड बाय 10, फिर आएगा 81 डिवाइड बाय 10। अगर हम इसको ऐड कर लें तो ऐसे आएगा, अगर हम इसको ऐड कर लेंगे तो वी गेट 390 डिवाइड बाय 10 व्हिच इज आल्सो इक्वल टू 39। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है समेशन एक्स बार स्क्वायर इनटू एफ ऑफ एक्स बार, तो ये चीज हमने वहां पे डालना है व्हिच इज इक्वल टू 39। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो इससे आ रहा है 39 माइनस, ये तो हमने कैलकुलेट किया है लेकिन इसका होल स्क्वायर लेना होगा, जो फर्स्ट कॉलम हमने बनाया था वो ये था। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 39 माइनस 36, सो दिस इज इक्वल टू 3, ऐसे तो ये आ गया है। अब हमने राइट हैंड साइड इस साइड को कैलकुलेट करना है, तो ये तो हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वल टू 2, अगेन 5 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, और नीचे हमारे पास है 2 और यहाँ n हमारे पास है 5, सिर्फ ये चीज कैलकुलेट करना है, ये इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हम इन वैल्यूज को लें और इसको कैलकुलेट कर लें, आपकी मर्जी, वहां पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, दोनों जगह ठीक है। चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, x हमारे पास है 2 4 6 8 10, ठीक है, और म्यू हमारे पास, ये म्यू है इज इक्वल टू म्यू, एक्स माइनस म्यू हमारे पास आ रहा है, हर एक वैल्यू से 6 माइनस करें, 2 माइनस 6 4 माइनस 6 6 माइनस 6 8 माइनस 6 10 माइनस 6, ठीक है, तो ऐसे आएगा माइनस 4, ऐसे आएगा माइनस 2, ऐसे आएगा 0, ऐसे आएगा 2 और ऐसे आएगा 4। अब हमें इसको स्क्वायर करना है, एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, तो एक्स माइनस म्यू स्क्वायर से हमारे पास आएगा माइनस 4 को स्क्वायर कर लें तो प्लस 16 प्लस 4 0 4 16, इससे आ रहा है 40। ये 40 क्या चीज है, समेशन एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, तो ये चीज भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, दिस इज इक्वल टू 40, समेशन एक्स या एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर से 40 आया है। तो देख लें, 5 माइनस 2 दिस इज 3 एंड 5 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 4, इससे ये आ गया, और देखें इससे आता है 8, ठीक है, 8 डिवाइड बाय 2। अब देख लें ये इसके साथ कैंसिल होता है, इससे आता है 2 और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विद 3 ओनली। देखें लेफ्ट हैंड साइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द राइट हैंड साइड, तो अगेन दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, सो दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स टाइम पे मिल जाए। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी इज अबाउट द नॉर्मेलिटी। ये है कि इफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच वी ड्रॉ द सैंपल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन विल आल्सो बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब ये है कि ये हमारा टोटल पॉपुलेशन है, ये 2, 4, 6, 8 एंड 10। अगर ये पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इससे बनने वाला ये जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन है ये पूरा, ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ इट इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन वी गो फॉर द प्रॉपर्टी 4। तो इफ द पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन विल बी स्टिल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इफ द सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30। एंड दिस इज द प्रोपोजिशन ऑफ द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अगर आपका पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर क्या होगा, तो उससे बनने वाला सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन फिर भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कंडीशनल ऑन के आपका सैंपल साइज 30 से ग्रेटर हो। 30 से लेस है तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है, फिर आपका सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन इज गिवन बाय z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू x बार डिवाइड बाय सिग्मा x बार, ठीक है। तो इनमें हमने इसको कैलकुलेट करना होगा और इसको कैलकुलेट करना होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप प्रॉपर्टी फर्स्ट चूज करते हैं विच इज इक्वल टू म्यू, और इसके लिए सिग्मा स्क्वायर x बार वहां में बराबर था सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय n इन केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट एंड इन केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट इट वाज इक्वल टू n माइनस n डिवाइड बाय n माइनस 1 इनटू सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय n, ठीक है। तो अगर आप वहां पे उसका रूट लें तो यू स्क्वायर रूट लें तो यू गेट द स्टैंडर्ड डिविएशन। वहां फार्मूला वेरियंस का है, वेरियंस को अगर आप अंडर रूट लेते हैं तो यू गेट स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी के लिए, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल मीन की प्रोबेबिलिटी के लिए नॉर्मली यूज होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। दोस्तों, शाह अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर करें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो अपने कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल एड्रेस जरूर